अब हम बात करते हैं कि निषेचन का महत्व क्या है, कि निषेचन आखिर में क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि निषेचन द्वारा भ्रूण में दो कोशिकीय कोशिका द्विगुणित अवस्था स्थापित की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि द्विगुणित स्थापना के साथ ही भ्रूण में लिंग का निर्धारण तथा जीव लंबाई की क्रिया संपन्न होती है। तो मंडी का लगे निषेचन के महत्व, पहला महत्व तो ये है कि निषेचन सदैव लैंगिक चरण के द्वारा होने वाली जैविक भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है। दूसरा पॉइंट निषेचन की क्रिया में अग्रेक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। निषेचन द्वारा भ्रूण की द्विगुणित अवस्था स्थापित होती है। अगली विशेषता ये है निषेचन के दौरान संतति में लिंग का निर्धारण होता है। निषेचन द्वारा भ्रूण के अग्र तथा पश्चिम सिरे का निर्धारण होता है। पश्चिम सिरे का निर्धारण होता है। निषेचन के द्वारा जीवन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है।
सुनिए, तो सबसे पहली विशेषता यह है कि लैंगिक जनन के दौरान ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि अलैंगिक जनन या कायिक जनन या अभिषेक जनन के दौरान निषेचन की क्रिया नहीं होती। ये एक जैविक क्रिया है, भौतिक है तथा रासायनिक पदार्थों पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे हम जैविक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। निषेचन की क्रिया में आवरण नलिकाओं शुक्राणु तथा मादा यकृत अंडाणु भाग लेते हैं। निषेचन द्वारा भ्रूण की दुर्वृत्त अवस्था स्थापित होती है जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसे युग्मनज यानी कि जायगोट कहते हैं। ठीक, अगली विशेषता यह है निषेचन के दौरान संतति में लिंग का निर्धारण किया जाता है, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र भाग लेते हैं। हम भी जानते हैं मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र बाकी के 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। मादा प्राणियों में 22+XX जबकि नर प्राणियों में 22+XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि वाई गुणसूत्र में निषेचन की क्रिया भाग लेता है तो बनने वाली संतति नर होती है, अगर एक्स गुणसूत्र भाग लेता है तो बनने वाली संतति मादा होती है, क्योंकि मादा प्राणी के अंदर दोनों ही कंडीशन में एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो मादा संतान को जन्म दे सकती है, जबकि लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कि निषेचन के दौरान वाई गुणसूत्र या शुक्राणु अगर निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है तो बनने वाली संतति नर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन द्वारा भ्रूण के अंग का पश्चिमी का निर्धारण होता है, यानी कि शुक्राणु भेदन के समय यह निर्धारित किया जाता है शुक्राणु जिस सिरे से प्रवेश करता है वो प्राणी के अग्र सिरे के रूप में पहचाना जाता है और दूसरा सिरा उसका पश्चिमी सिरे के रूप में पहचाना जाता है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं ये भ्रूण का अग्र सिरे के रूप में और ये भ्रूण के पश्चिमी सिरे के रूप में ये सिरे विकसित होने वाले। निषेचन के दौरान जीन निर्णय की क्रिया होती है, जीन निर्णय की क्रिया के द्वारा विभिन्नताओं का विकास होता है। विभिन्नताओं का विकास होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उप विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जीव विनिमय की क्रिया होती है, जीव विनिमय की क्रिया के दौरान विभिन्नताओं का विकास होता है, नए जीनों का समावेश होता है, समष्टि के जीव कोश में नए जीनों का समावेश होता है जिससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है और नई जातियों की उत्पत्ति के कारण उस विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। यदि विभिन्नता का विकास न हो तो नई जातियों की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी और उस विकास का क्रम रुक जाता है। और सीधी सी बात है कि ये निषेचन उस विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा ही लिंग जाति की उत्पत्ति होती है और लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि निषेचन एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है, क्योंकि पादप तथा जंतु दोनों में समान रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान भी संपन्न होती है, अलैंगिक जनन के दौरान निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं कराई जाती या अभिषेक जनन के दौरान ये क्रिया संपन्न नहीं कराई जाती। अगले पॉइंट में हमका बात करें तो हम बात करते हैं कृत्रिम सीजन की। कृत्रिम सीजन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन,
कृत्रिम सृजन की बात करें तो कृत्रिम सृजन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कि प्राकृतिक तरीके से न होकर के कृत्रिम तरीके से संपन्न कराई जाती है, यानी कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो कि कृत्रिम तरीके से संपन्न कराई जाए जब निषेचन को कृत्रिम तरीके से संपन्न कराया जाता है तो इसे कृत्रिम सृजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मकों को लेकर के कृत्रिम माध्यम में यानी कि लैब के अंदर पात्र में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। जैसे इस क्रिया में नर मनुष्यों से नर युग्मक तथा मादा मनुष्यों से मादा युग्मक प्राप्त करके पात्र निषेचन कराया जाता है। अब कृत्रिम सृजन की कई सारी विशेषता ये है कि ये जाकर उन वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी मनुष्य के अंदर संतानों की संख्या कम है तो निषेचन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम पात्र निषेचन कराया जाता है। जैसे इसकी कई सारी विधियां हैं, विधि पहली है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में शर्त क्या है कि नर तथा मादा से युग्मकों को प्राप्त करके पात्र में निषेचन कराया जाता है, कृत्रिम माध्यम में निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के बाद जायगोट को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं IVF। दूसरी विधि टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF दोनों लगभग सिमिलर प्रोसेस होती है, हमें कोई डिफरेंस नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी IVF पद्धति के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं और उनको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तीसरी विधि यह है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन इस विधि में करते क्या है कि इंजेक्शन द्वारा वीर्य को लेकर के शुक्राणुओं के साथ मादा सारणी में योनि में प्रवेशित करा दिया जाता है इंजेक्शन की मदद से और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। इस विधि का उपयोग वहां पर किया जाता है जैसे कि हमें किसी प्राणी में उन्नत किस्म की नस्ल पैदा करनी है, जैसे कि गाय भैंसों की बात करें तो अधिक दूध देने वाले लक्षण को बचाए रखने के लिए उन्नत वीर्य सेचन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। हॉस्पिटलों में आजकल कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसके द्वारा उन्नत किस्म को संरक्षण और उन्नत किस्म की पैदावार संपन्न कराई जाती है और इस विधि को किया जाता है। तो ये है आपके निषेचन की कुछ महत्व और कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया है। ये कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया है, कृत्रिम निषेचन हम देख कर जाते हैं कि विट्रो के द्वारा किया जाता है, जैसे टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी IVF है, कृत्रिम वीर्य सेचन है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक क्रिया है।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भौतिक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि रासायनिक पदार्थों तथा भौतिक विधि द्वारा संपन्न कराई जाती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो कि जाति विशिष्ट होती है और तालाकुंज सिद्धांत पर कार्य करती है।